सभी पशु प्रेमी भाइयों को सुरेंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागू डायरी फार्म पर। दोस्तों आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके चैनल पे, और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की कटड़ी दिखाएंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी दें आपको, उससे पहले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों ये जो कटड़ियां है ये हमारे पास है, हमारा गांव बिठमड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार तहसील उकलाणा मंडी हिसार हरियाणा के अंतर्गत आता है और नरवाणा बरवाला टोहाना से लगभग 18-18, 20-20 किलोमीटर की दूरी पे है। हरियाणा स्टेट में है, पंजाब के टच में ही पंजाब का बॉर्डर है जो हमसे 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारे पास कटड़ी है ये जो आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रही है, ये 9 महीने से ऊपर है। अभी जो पीछे 22 फरवरी गई है उसको ये 9 महीने की हो चुकी है, और इसका जो बाप है HLDB का बुल है, सबसे लंबा तगड़ा बुल है वो HLDB का। जिस भाई ने देखा है वो जानते भी है, 10-26-22 बहुत अच्छा बुल है। और ये कटड़ी भी हाइट लेंथ की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कटड़ी है। पुट्ठे की बनावट आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, आपको भले ही अंदाजा ना आ रहा हो लेकिन जब रियल में देखोगे आप कटड़ी, जो रियली हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी है कटड़ी। और जो कटड़ी की माँ का दूध है वो पहले ब्यांत में 13 किलो रहा है और काफी अच्छी तैयार हुई है कटड़ी। जिस भाई से हमने खरीदी है बहुत प्यार से तैयार की थी भाई ने, और कटड़ी का जो नामकरण किया गया है गोल्डी नाम रखा है भाई ने। बहुत सुंदर कटड़ी है और नीचे की भी बहुत बढ़िया है कटड़ी, रिंकल्स है बहुत बढ़िया है, गैप है थनों के अंदर बहुत बढ़िया, साफ सुंदर है, मतलब नीचे से भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है कटड़ी में। और जो इसकी नानी का दूध है दूसरे ब्यांत में 19-19 किलो था, और पूंछ भी ब्लैक है बिल्कुल। आपको बॉडी के ऊपर ब्राउन हेयर दिखाई दे रहे हैं वो, क्योंकि इस उम्र में हो जाते हैं, चमड़ी बिल्कुल ब्लैक है। जब ये छांट जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी कटड़ी, और बॉडी के ऊपर बाल अच्छे भी लग रहे हैं। बहुत हैवी कटड़ी है, हाइट लेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको हम बोल देते हैं, जो 100 में बच्चे लगते हैं, 100 क्वालिटी की कटड़ी है। अगर मेलों में कही जाएगी तो कटड़ी अपनी उम्र के लेवल में मात नहीं खाएगी कहीं पे भी। देखने वाले भाई जिनको है, मतलब ब्रीड की एक्सपीरियंस है जिनको, वो बता भी सकते हैं, नहीं तो कटड़ियां हम छोटी भी लेके आते हैं और बड़ी भी लेके आते हैं, 20-25-30 हज़ार की कटड़ियां भी लेके आते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की कटड़ी है जो सुपीरियर अच्छी क्वालिटी की हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छी कटड़ी है। और रिकॉर्ड है जो इसका बाप HLDB का 10-26-22 है, उस बुल की माँ का दूध 43-83 किलो है, 21 किलो से ऊपर ऊपर। और जो कटड़ी की कीमत है वो 55 हज़ार रुपये है। जो इच्छुक भाई हो, मतलब जिसको क्वालिटी की परख हो, वही हमें फ़ोन कर सकता है, इस कटड़ी के बारे में आके देख भी सकता। अपना पता मैंने आपको बता दिया। ये कटड़ी आपको दिखा रहे हम, ये 14 महीने के आसपास है, कुछ दिन ऊपर भी हो सकती है। छोटे सींग की है, बिल्कुल पतले सींग की, पतले चमड़ी की, बहुत अच्छी कटड़ी है भाई। फेस ये भी देखिए छोटे सींग की, और इसकी अभी अभी ताज़ा कटिंग की हुई है, जहाँ से ली है वहीं से कटिंग हुई आई है इसकी कटड़ी की। और जो इसकी माँ का दूध रहा है 14.5-15 किलो रहा है दूसरे ब्यांत में, साफ सुंदर कटड़ी है ये भी, पतली चमड़ी की, ब्लैक काली चमड़ी है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। और ये कटड़ी भी हमारे पास ही है सेल के लिए। नीचे की जो कटड़ी की इसकी बनतर है ना, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जो रिंकल्स है बहुत अच्छे हैं, रियल में आप देखोगे आके तो अंदाज़ा आएगा, बहुत अच्छी कटड़ी है ये भी, साफ सुंदर अच्छे, मतलब पतली चमड़ी की, लंबी गर्दन, पतला मुंह, छोटा सींग, काफ़ी अच्छी बनेगी ये भी, नीचे की और ऊपर की बहुत बढ़िया है। कुछ बाल कट करने करके लग रही है ये कटड़ी, बाल काटे हुए इसके तुरंत के, बाल काटने से पहले की छोटी सी वीडियो में आपको इसकी लगा देता हूँ, वीडियो में आगे आप देख भी पाएंगे। बहुत सुंदर है कटड़ी ये भी हमारे पास है, साफ सुंदर मुर्रा नस्ल की है प्योर कटड़ी। और जो इसकी कीमत है कटड़ी की 32 हज़ार रुपये है देने की,
इच्छुक भाई संपर्क कर सकते हैं हमसे। टडी है जो मैंने सेकंड नंबर पे आपको दिखाई कटिंग की हुई, इसके बाल काटने से पहले का वीडियो देखिए, कटड़ी बालों के साथ बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कटिंग करवा दी भाइयों ने, बहुत अच्छी कटड़ी है, छोटे सींग की साफ सुंदर अच्छी बनने वाली है कटड़ी। बताना कमेंट करके भाइयों कैसी लगी आपको ये कटड़ियाँ, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का।